नमस्कार, पब्लिक एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में 2 वर्ष पूर्व मासूम के साथ हुई दरिंदगी के मामले में जनपद न्यायालय ने पहली बार किसी आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। न्यायालय के 2 दरिंदों अंकुर व सोनू को फांसी की सजा के साथ साथ न्यायालय के दोनों आरोपियों पर 17,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं न्यायालय के इस फैसले से मृतक के परिजन संतुष्ट नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि वही न्यायालय द्वारा तीसरे आरोपी को बरी करने पर सवाल उठाए और वह न्यायालय के हाईकोर्ट का रुख करेंगे। नाबालिग बच्चे के साथ रेप हुआ, उसकी हत्या हुई और उसके भाई को मरा हुआ मानकर जो आज बोलने की स्थिति में नहीं है, तो बहुत दर्दनाक घटना थी हापुड़ थाना देहात की। और आज उसमें जो निर्णय हुआ है, जो हमारी स्पेशल पॉक्सो कोर्ट फर्स्ट है श्रीमती वीना नायर जी के द्वारा, दो अभियुक्तों को अंकुर और सोनू को मृत्युदंड हुआ है और अलग अलग धाराओं में भी आजीवन कारावास और मृत्युदंड हुआ है। ये कोर्ट को तीनों को ही सजा एक से देनी चाहिए ही। तो इसमें जो तीसरा आरोपी जो बरी हुआ है, उसको क्यों उसका उसको अलग किया गया है पैसे के थ्रू? जी, हमारे घर में 3 जने आए थे, मेरी बहन को मार दिया, उनके साथ गलत करा था और मेरा गला काट दिया था। ताजा रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर